नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। हरिद्वार में हुई श्री बालाजी ज्वेलर्स डकैती कांड में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ ढेर। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार में लगभग 15 दिन पहले हुई श्री बालाजी ज्वेलर्स डकैती मामले में पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया है। वही दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा, जिसके बाद आलाधिकारी मुठभेड़ की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। वही पुलिस का दावा है कि मृतक बदमाश 1 लाख का इनामी है, जो डकैती प्रकरण में शामिल था। देर रात तक पुलिस द्वारा चल रही चेकिंग अभियान में संदिग्ध लग रहे एक बाइक पर 2 व्यक्तियों को पुलिस ने जाते हुए देखा और उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस को देखते ही बाइक सवार तेजी से भागने लगे और बाइक चलाते हुए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। वही घायल बदमाश को पुलिस तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर द्वारा घायल बदमाश को मृत घोषित कर दिया गया। हरिद्वार पुलिस दावा कर रही है कि हरिद्वार में बालाजी ज्वेलर्स के यहां हुई करोड़ों की लूट का खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा। वही हरिद्वार पुलिस का ये भी कहना है कि मुठभेड़ के समय फरार हुए बदमाश की तलाश की जा रही है, जिसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ऐसे में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि पुलिस जल्द ही फरार बदमाशों को पकड़ लेगी, जिसके बाद घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। डकैती प्रकरण में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस तरह जान पर खेलकर पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर बदमाश को घायल कर पकड़ लिया है, ऐसा देखकर यही लगता है कि हरिद्वार पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करते हुए अपना फर्ज निभाया है। ये पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण मामला था, जिसमें पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से पुलिस को मामले की एक कड़ी मिली है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस बहुत जल्द ही फरार बदमाशों की गिरफ्तारी कर बरामदगी माल के साथ घटना का खुलासा कर देगी। वही दूसरी तरफ इस हादसे के बाद जब श्री बालाजी ज्वेलर्स के मालिक अतुल गर्ग से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस समय मुझे काफी हद बहुत राहत और सुकून मिल रहा है। पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को इतनी बड़ी सफलता मिली है और पुलिस दल ने इस मुसीबत की घड़ी में हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। हरिद्वार से जिला ब्यूरो चीफ संजय भारती की रिपोर्ट। पिछले 15 दिनों से पुलिस लगातार श्री बालाजी ज्वेलर्स पर लूट का को लेकर परेशान थी, आप भी काफी परेशान थे, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए तो बहुत बड़ी राहत की खबर है भैया। आज 15 दिन लग गए भले ही, लेकिन शुरुआत हुई किसी कोने से। आज एक मुजरिम पकड़ा है पुलिस ने, अथाह प्रयास करा होगा। मैं सोचता हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करा होगा, ये इनकी वर्किंग है। लेकिन मुझे मॉरली भी इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। इन्होंने बहुत मुझे हर तरह से मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे आश्वासन दिया कि आपकी डकैती का पूर्ण खुलासा भी करेंगे और आपकी पूरे माल को हम बरामद भी करके देंगे। तो उसमें कम से कम उस क्रम में पहला काम शुरू हुआ है, तो मैं उम्मीद यही रखा हूँ कि जल्दी ही बाकी काम पूरा होकर मुझे मेरा पूरा सामान दिलवा दें। कई व्यापारी, राजनीति नेता, कांग्रेस, भाजपा भी आपके साथ कंधे से कंधा जी मिलाकर लग रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस समय के हिसाब से मैं तो एक व्यापारी के दृष्टिकोण से कहूँगा, चाहे कोई भी मेरे पास आया, उसने मेरे हित के लिए ही किया होगा जो किया। और एक व्यापारी की पीड़ा व्यापारी और समाज को सबको ही समझना चाहिए। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो सबको खड़ा होना ही चाहिए, कल किसी के साथ भी होगा तो मुझे भी खड़ा होना चाहिए। सर, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा माल की बरामद, तो अभी तक कितना माल बरामद हुआ? जैसे कि अभी मेरे को कुछ दिखाया गया था, मैं दूसरों से आइडेंटिफाई करा है, वो मेरा ही सामान है, लेकिन वो कितनी मात्रा में क्या है वो जब मेरे को दिया जाएगा मैं तभी बता पाऊँगा। अभी मैं ये तो पुष्टि कर सकता हूँ कि हाँ, वो हमारे यहाँ का ही सामान है। तो आप जैसे पुलिस टीम ने मुठभेड़ की है, तो उसके लिए आपने क्या पुलिस को क्या कोई गिफ्ट वगैरह या? ये सब तो अभी अभी चले आया, अभी हुआ है, अभी मैं इस चीज को देख ही रहा हूँ, अभी आगे होगा। आज करीब 9:30 बजे से लगातार चेकिंग की जा रही थी और समस्त थाना क्षेत्रों में ये चेकिंग एसपीसीटी के नेतृत्व में कराई जा रही थी। इसी बीच एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो हमारा पथरी रोपुल के पास से अपने भागने की उन्होंने कोशिश की थी, बहादुराबाद क्षेत्र से, पुलिस के द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और वो पथरी रोपुल की ओर को भागे, जहां पर उनकी गाड़ी आगे जाके फिसलन में फिसली और उसके बाद वो उठ के जो है जंगल की ओर को जब भागने लगे, पुलिस के द्वारा उन्हें जब रोकने की कोशिश की गई, उनके द्वारा पुलिस को फायर किया गया। पुलिस ने उनको कॉम्बिंग के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान
आपसी मुठभेड़ में एक बदमाश पर गोलियां लगी थी, जिसमें उसको तत्काल हॉस्पिटल यहां लेके आया गया, वहां पर मृत घोषित किया गया। इसके साथ ही एक और जो था वो वहां से फरार हो गया, उसकी कॉम्बिंग अभी चल रही है और हमारा पूरे जिले का फोर्स सर्विस कॉम्बिंग में लगा है। जल्दी ही हम उस कोशिश करेंगे कि उसकी भी हम लोग अरेस्टिंग कर लेंगे, और अभी इस पर थोड़ा अर्ली होगा पूछना, क्योंकि अभी हमारी फॉरेंसिक की टीम वहाँ मौके पर गई हुई है और जो भी अपडेट होंगे अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। कौन बदमाश है सर, ये किस मामले में इन्वॉल्व था? देखिए अभी वही मैंने कहा, जैसे अभी कुछ भी बता पाना थोड़ा अर्ली है, क्योंकि अभी जो इसका सामान वहाँ छूटा है उसकी फॉरेंसिक की जो टीम है वो उसका भी चेक कर रही है और उसके बाद जो भी अपडेट होंगे आपको बताएंगे। देखिए अभी वही मैं कह रहा हूँ, इसको अभी कुछ कहना थोड़ा अर्ली होगा, अभी एक दो घंटे में सभी अपडेट आपको बताएंगे। कितने लोग थे सर? अभी आज जो घटना में थे दो लोग मोटरसाइकिल सवार थे, बाकी अन्य लोगों का भी हम पता लगा रहे हैं, इनके साथी और भी अगर लोग हैं तो उनको। बदमाश का नाम तो नाम तो देखिए मैं वही कह रहा हूँ अभी, क्योंकि ये जो इसकी जो सूरत है, जो इसकी शक्ल है, वो हमारे एक जो इस जो डकैती से मिलती जुलती है, जिसमें जो हमने फोटो जारी किए थे उसमें एक बदमाश से ये फोटो इसकी मिलती जुलती है, लेकिन इसके बारे में सही जो अभी तस्वीर है थोड़ी देर के बाद ही क्लियर हो जाएगी। ठीक।